कोई नेता हमारा न लड़ने गया न उनके बच्चे लड़ने गए हैं। लड़ाई तो गरीब भूखा पेट करता है। क्या दे रहे हैं 6,000 रुपया देके वही किसानों की धोती खोल करके उनको पगड़ी बांध दे रहे हैं। पहले अंग्रेज भी इसी तरह लूट करके हमारे देश की संपत्ति को दूसरे देश ले गए हैं, उसी के दूसरे नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं। ये इतने बड़े चमत्कारी होते हैं तो फिर इनको चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत है? ये अपनी दुकान क्यों लगा रहे हैं? वो पिछड़ों को ही गुमराह करके तो लूट रहे हैं, गरीबों का ही तो जेब काट रहे हैं। ओबीसी वो है सोता हुआ शेर है, जग गया तो सबके सब ढेर हो जाएंगे। उस दिन समझ लो देश से इनको भगाने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी दबी कुचली आवाज को देश के लोकतंत्र में सभी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह मीडिया देश का चौथा स्तंभ मानी गई है। आज मीडिया कहीं ना कहीं देश को गुलाम बनाने में अहम रोल निभा रही। ये सोशल मीडिया ना होती तो शायद यह आवाज़ ऊपर तक हमारी नहीं पहुंचती। आज सोशल मीडिया के द्वारा ही हमारे हक अधिकार की बात वहां तक पहुंच रही है। अब तो हम मूल निवासी भारतवासी को ये आह्वान के करके कहना चाहते हैं कि 2024 में अगर चूक गए तो फिर आपको नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। देश को देश गुलामी की तरफ जा रहा है। आज एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा है आपस में, और हमारी बात दबी कुचली हुई बात मूल निवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। नेता आपस में बिखरे हुए हैं। नेताओं को जब देश के लोकतंत्र में विधानसभा में बैठ करके इनके हक अधिकार की आवाज़ उठाना चाहिए, वहाँ अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कहीं कोई आपस में लड़ रहे हैं, कोई आपस में कुर्सी से मारपीट कर रहे हैं। ये ऐसे करने के लिए उनको नहीं भेजा गया। आप लोगों ने जो देश में एक बहस छेड़ दी, एक जो विमर्श छेड़ा है बहुजनों को लेकर, उससे सारे लोग तिलमिला रहे हैं सर। ऊपर से लेकर नीचे तक मोहन भागवत को भी बयान देना पड़ा कि जाति ईश्वर ने नहीं पंडितों ने बनाई है। देखिए देश जब भी गुलाम हुआ है ना, तो यही मूल निवासी भारतवासी किसान और जवान, किसान उनके बेटे जवान, यही मिल करके लड़ाई लड़े हैं। कोई नेता हमारा न लड़ने गया न उनके बच्चे लड़ने गए हैं। लड़ाई तो गरीब भूखा पेट करता है। अब देख लिया कि अब वह समय आ गया है, ये नेता लोग तो हमारे देश को एकदम, क्योंकि हमारे देश की अचल संपत्ति बेच करके एक तरह से दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। अभी तक आप गरीबों को 5 किलो राशन और थोड़े से तेल में बहका करके जिंदा रखें। अरे भैया इनको वो नहीं चाहिए, इनको शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए, वो चीज़ दे नहीं रहे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था कि आप अपनी वोट के द्वारा अपना निष्पक्ष सरकार बनाना, आज एक तरह से वो भी छिन गया। हमारे यहाँ EBM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र को बचाना है और संविधान बचाना है, चाहे वो शांति अपने अधिकार आप लोग मांग रहे हैं उसी वजह से ये तो क्या और क्या है। आज जब सभी लोग जान गए, युवा रोज बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए, सभी रोड पे घूम रहे हैं, और किसान जानवरों से परेशान है। कभी किसानों की बैंक उनके जानवर हुआ करते था, आज उन्हीं के जानवर उनकी खेतियां नष्ट करवा रहे हैं। और एक तरह से अगर कोई किसान अपने खेती में दिन भर किसान बेचारे लगातार खेतों में रखवाली करते हैं और रात को उनको रात भर रखवाली करते हैं, और आज देखा जाए तो एक यही कह के आए थे ना किसान की आय दो गुना। आय की तो छोड़ो, ये खाद पानी बिजली इतना महंगा कर दिए हैं कि लागत का मूल्य भी नहीं निकल रहा है। दे रहे हैं खातों में 6,000 रुपए। अरे भैया क्या दे रहे हैं 6,000 रुपया दे के वही किसानों की धोती खोल करके उनको पगड़ी बांध दे रहे हैं, उनको नंगा कर दे रहे हैं। आज मजबूर है किसान, आए दिन रोज लगभग सर्वे में आ रहा है 28 किसान रोज फांसी लगा रहे हैं। क्या यही देश के किसान? सिलेंडर भी दे रहे हैं। सिलेंडर का रेट अभी आपको पता है 400 से उठ करके 1,150 हो गया, और यही तो कहे थे ना कि हम गरीबों को पहले सिलेंडर दिए थे, आज वो सिलेंडर सब लोग पानी में फेंक रहे हैं, फिर लकड़ी पे आ रहे हैं, फिर वही नवीन रियासतीकरण होने जा रहा है, फिर लोग वही पुराने समय को। ऐसा है, ऐसा भारत नहीं चाहिए। आज सबसे बदहाल मजबूर और आप ही रहे ना लोगों को, आप कह रहे हैं हम मूल निवासी हैं तो दूसरे क्या हैं फिर? ऐसा है, अगर ये हमारे देश के होते ना तो हमारे देश के आवाम के लिए वो सोचते, लेकिन ये यही तो
नंबर दो के सर्टिफिकेट से ओबीसी एससी एसटी बने और बन करके गद्दी पे पाए और लोगों ने, भारत के मूल निवासियों ने विश्वास किया, इनको देश के सबसे बड़ी गद्दी पे बैठाया कि हमारे हक अधिकार की बात वहाँ देश के लोकतंत्र में उठाएंगे। वहाँ जा करके सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को, गलत नीतियों को छुपाने के लिए उनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अभी किसी नेता पे कोई इल्जाम उठ जाता है उसको दबाने के चक्कर में, अभी देखिए ना, अंबानी अडानी हमारे देश की संपत्ति लेकर के, पहले अंग्रेज भी इसी तरह लूट करके हमारे देश की संपत्ति को दूसरे देश ले गए हैं, उसी के दूसरे नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं। ये जो कह, आप साधु संतों का साथ नहीं देंगे जो वो बात कर रहे हैं, ऐसा है जिस दिन साधु संतों का साथ कैसे दिया जाए भैया, साधु संत तो हमेशा कहीं ना कहीं, अभी एक साधु संत ने तलवार निकाल कर किस वो केक काटा था और कहा था कि 21 लाख रुपया देंगे जो उनका गर्दन काट करके ले आकर मौर्या के लिए। तो ऐसे साधु संत से क्या है। और मैं बताऊं, इस देश को चलाने वाला केवल किसान और उसके बेटे जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं। जिस भारत जो है साधु संतों का देश है, ऐसा है भारत साधु संतों का, यह भारत भूमि क्यों देव भूमि भी कही जाती थी, आपकी बात मान ले रहा हूँ, लेकिन भारत भूमि को देव भूमि कही जाती, हमें ऐसे देव भूमि नहीं चाहिए। तो जहाँ ही सोच रहे होंगे ना भारत के लिए, वो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे ना भारत। ऐसा हिंदू राष्ट्र कभी ये नहीं करता, कहता कि किसी की हिंसा, हिंदू राष्ट्र उसे कहते हैं, वैसे हिंदू शब्द नहीं, हिंदी भाषी लोग कहते हैं, सर्वभाषी भाषा लोग कहते हैं कि कोई पेट भूखा न रहे, कोई आदमी नंगा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, यह चीज़ सिखाता है हमारा देश, हमारा पावन भारतवर्ष। लेकिन आज ये लोग उसी का उल्टा कर रहे हैं, हमारी शिक्षा छिन गई, रोजगार छिन गया, और एक तरह से आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आंदोलन पे मजबूर कर रहे हैं। अब तो यह मूल निवासी भारत के लिए तो इतना भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है अयोध्या में, अब आप कर रहे हैं संविधान की बात। अब ऐसा है, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरेगा, मंदिर से उनका पेट भरता है। तो जाइए ना दिव्य चमत्कार में, धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा सा चमत्कार दिखाएंगे आपको। अरे वो लोग अपना चमत्कार खुद करके, ये जितने बाबा हैं ना, ये इतने बड़े चमत्कारी होते हैं, तो फिर इनको चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत, ये अपनी दुकान क्यों लगा रहे हैं। हनुमान जी से संपर्क है उनके, वो तो सबसे संपर्क रखते हैं, तभी तो उनका भाई भी एक अभी अभी जल्दी में जेल गया है, शालिग्राम गर्ग, हाँ जेल गया है। क्यों गया है, अगर इतने बड़े ये लोग, एक तरह से हमारे नेता भी इसी तरह के हो गए हैं जो इनकी बातों में विश्वास करते हैं, जो इनके पर्चा बना देंगे वो, हमें इसकी डर नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे जैसे लाखों लोगों को शहादत देनी पड़ेगी। पहले भी जब राष्ट्र गुलाम था ना, तब भी उस ऐसे आसानी से आज़ादी नहीं मिली थी, हमारे जैसे कैसे लाखों लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, क्योंकि जान रहे हैं खतरा बड़ा हो गया है, ये लोग धीरे धीरे पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। शास्त्री नंगा कर देंगे, सुना नहीं है उनका भाषण, इतना नंगा करने वाले होते, इतना जानने वाले होते ना, तो फिर तो वो फिर किसी की जरूरत नहीं, वो गद्दी खुद आकर के गद्दी पे बैठ जाएंगे, खुद आशीर्वाद देने की बजाय अपने आप ही। हिंदुओं का शेर है वो, सनातनी शेर, कोई शेर नहीं है, कोई शेर नहीं है, वो तो शेर शेर करके आप लोग बना रहे हो, वो कोई शेर नहीं, वो मीडिया जा रही है उसके वहां नतमस्तक हो रही है, मीडिया वही गोदी मीडिया तो जा रही है, आप लोगों की मीडिया क्यों नहीं वहां पहुंचने, क्योंकि आप लोग तुरंत पर्दा खोल दोगे, तुरंत उसको नंगा कर दोगे कि ये है, वहाँ वही गोदी मीडिया जा रही, वही उनको दिखा रही है, वहाँ पर महिला पत्रकार भी वही जा रही है जो राष्ट्रीय लेवल की गोदी मीडिया वाली पत्रकार, खासकर पिछड़े ये ऐसा है, वो पिछड़ों को ही गुमराह करके तो लूट रहे हैं, गरीबों का ही तो जेब काट रहे हैं, कोई अमीर जा करके वहाँ थोड़ी, वो गरीबों की ही भीड़ लगा करके हमारा देश एक तरह से गुमराह होने का काम किया जा रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, एक दूसरे की नकल उतारने के चक्कर में पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश में पिछड़े अब उनका दरबार नहीं लगने दे रहे हैं, कई दिन से दरबार, हाँ समय हो गया है उनका, एक दिन जैसे सभी बाबा जेल गए हैं वैसे एक दिन उनको भी जेल जाना होगा, इसलिए आप लोगों के द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि मिटा दो जुल्म की हस्ती, 24 जाने ना पाए, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम सब का पैगाम है, हम सब भारतवासी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। संघर्ष सूद्र सूद्र करके क्या आप 2024 जीत लेंगे क्या, सूद्र सूद्र आप जो कर रहे हैं विधानसभा में भी अखिलेश यादव उठा रहे हैं, क्या जीत जाएंगे? देखिए अगर यह शूद्र पहले से समझ गया होता और शूद्र शूद्र हो करके सबको एक
जुट होकर के चले होते, ओबीसी वो है सोता हुआ शेर है, जग गया तो सबके सब ढेर हो जाएंगे और इंजन बन करके सबको ले करके चलना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ लो देश से इनको भगाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं उन सभी विपक्षी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अब समय नहीं बचा है, सब एकजुट होकर के संगठित होकर के ईगो छोड़ करके एक प्लेटफार्म होकर के एक आवाज़ के साथ लग जाओ, तभी देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, संविधान बचेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, नहीं तो नस्ल खराब होने जा रही है।